चिपकता है मेकअप। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आरजी गोलिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो एज वी नो, रक्षाबंधन इज ऑन दिस 30th of August, सो आई थॉट टू डू अ गेट रेडी विद मी। अरे वाह, गुड आइडिया। इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग द होल स्किन प्रेप, मेकअप एंड माई होल आउटफिट। बहुत ज़्यादा मेकअप थोपने की जरूरत नहीं है, बेसिक सिंपल कैसे तैयार होना चाहिए राखी के टाइम पे, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो एज ऑफ नाउ मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, आई हैव जस्ट वॉश माई फेस, देर इज ओनली दिस लिप बाम विच आई हैव। सबसे पहले तो लेट अस टाई आवर हेयर। बहुत ज्यादा मत लगा देना, नहीं तो पूरी बॉडी तो ऐसी नॉर्मल लगेगी और मुंह ऐसे ट्यूबलाइट जैसे चमक रहा होगा। प्लीज डू नॉट स्किप ऑन योर प्राइमर, अप्लाई इट। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे स्किन और तुम्हारे मेकअप के बीच में एक बैरियर बन के रहता है, ताकि तुम्हारे पोर्स के अंदर मेकअप क्लॉग ना हो जाए। थोड़ा सा अमाउंट लेना एकदम। यहाँ मेरे को बहुत ऑयली होता है तो मैं यहाँ लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लूंगी और फिर मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा दूंगी। डोंट फॉरगेट योर नेक। इस पे हम थोड़ा अप्लाई करेंगे एंड वील ब्लेंड अ फाउंडेशन। फाउंडेशन हैवी हो जाएगा, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्किप द फाउंडेशन ऑल ओवर और केवल कंसीलर से फेस कंसील कर लो, दैट्स ऑल, दैट्स गोना गिव यू अ ग्लो। कंटूर ब्रोंजर जो आपको यूज करना है आप कर सकते हो। ये कंटूरिंग क्या होता है, अपने फेस को एक स्कल्पचर देता है, एकदम पॉइंटेड आउट लगे। अप्लाई हियर, जॉ लाइन एकदम ऐसी होनी चाहिए कि बस वाटरमेलन कट जाए। आई कैन इवन हैंग माय सेल्फ बिकॉज़ माय जॉ लाइन विल कट अ फकिंग क्रॉस। पकौड़े जैसा है तो मेरे को, मैं यूजुअली तो नहीं करती हूँ बट आज क्योंकि हम पूरा मेकअप लुक कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। इट हैज अ बिल्डेबल कवरेज। ओके, ऊपर तक लेके जाना, ऊपर तक। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी सारे प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कंसीलर कैसे अप्लाई करना चाहिए, फाउंडेशन, मस्कारा, आई शेडो, आई लाइनर, मैंने एक एक पार्ट बना के हर चीज को इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, प्लीज चेक दैट आउट। कभी भी ऐसी भी फीलिंग आया ना थोड़ी सी भी, यार ये भूत जैसी क्यों लग रही हूँ, क्या हो गया है, तो रुको जरा, सबर करो, बस ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं ये क्या लग रही हूँ, बट ठीक है ठीक है। अब हम अपना फेस सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। हाँ
ये मैंने ब्राउन कलर में उठाया है, ब्लैक से ऐसा लगता है पता नहीं क्या ब्लैक 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 आईब्रो कर दी, साफ नकली लगती है। तो थोड़ा सा फिल इन करने के हिसाब से यूज दिस। जहां पे भी बीच में कम बाल है ना उसमें ये कर दो, बाल बना दो जैसे ड्राइंग करते थे ना स्कूल में। मैंने पिंक पहन रखा है बट मैं पिंक के हिसाब से बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रही हूँ। बेसिक कैसे करना चाहिए वैसे करके बता रही हूँ आपको। सबसे पहले अपने ब्रश पे ब्राउन शेड उठाना, ब्राउन। डन। ब्राउन होने के बाद कोई भी शिमरी शेड, किसी भी पैलेट का कोई भी शिमरी शेड। अगर थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर डालना है आपको, जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं उसका शिमरी शेड प्लस जो आप शेड पहना हुआ है वो थोड़ा बहुत लगा दो, बट मेक श्योर करना उसमें लिपस्टिक ज्यादा चटकती भटकती ना हो। अगर यहां का कुछ एक्सेस फॉल आउट हुआ है तो पाउडर ब्रश से साफ कर दो उसको इधर। कहाँ नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे फॉलो करो, पता लग जाएगा।